बंद करो, बंद करो। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एफसीआई मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जोर जुलम के चक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुलम के चक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, आवाज दो। अभी तो ये अंग्राई है, आगे जो एफसीआई से एम्प्लॉय लेबर था, मजदूर था, उसको रिटायर हो गए, कुछ बीआरएस दे करके जो हटा दिए गए, उसको एक जगह सिमट कर रख दिया दिल्ली में कहीं पे, और उसकी जगह पे ठेकेदारी प्रथा चला दिया हर गोडाउन के अंदर। पूरे भारत के अंदर जो ठेकेदारी प्रथा चला रखा है ना, उसको हम बंद करवाने के लिए कह रहे हैं इनको। और एक सिंगल लेबर सिस्टम लागू करना होता है, सिंगल लेबर सिस्टम लागू करे सरकार, एक जो मिनिमम सैलरी होती है डीसी रेट पे वो दे और हमसे काम करवाए, सीधा पेमेंट करे हमारे को और हमसे काम करवाए, ये डिमांड है हमारी। संजीत कुमार है, कौन से पद पर कार्यरत है? मैं संगठन सचिव हूँ श्रमिक यूनियन से। मेरे कहने का मतलब ये है, ये प्रोटेस्ट पूरे भारत में हो रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आज हमारे 50,000 मजदूर इम्प्लॉय थे एफसीआई के अंदर, अब हमारे मजदूर के साथ क्या हो रहा है, धक्का हो रहा है, इनको गोदामों से निकाला जा रहा है और निकाल के एक जगह सीमित करके ठेकेदारों को लाया गया। आज हमारे मजदूर रोटी के लिए तड़प रहा है। आज ठेकेदारी प्रथा में आने से क्या हुआ, महीने में अगर 4 दिन काम चला, 5 दिन काम चला, लेकिन हमारे साथ ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हमें महीने दिन बैठना पड़ता है और महीने दिन हमें 2,000-3,000 की तनख्वाह होता है, इससे हमारा गुजारा नहीं होता है। इसलिए हमारी मांग डिमांड है कि एक सिंगल सिस्टम लागू हो, जो एफसीआई श्रमिक यूनियन के हमारे नेता हैं हरिकांत शर्मा, उमेश कुमार गुप्ता जी, इन्होंने एक समझौता किया मैनेजमेंट के साथ जिसका केस आज कोर्ट में चल रहा है। हम इनको ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट सरकारी सर्विस दे पहले के तरह, हमें एक डीसी रेट जो 28,000-29,000 रुपया प्रति महीना पड़ता है, हम मजदूर इनका काम करेंगे, हमें सिंगल सिस्टम में लाया जाए। इसमें डीपीएस नो वर्क नो पे और नोटिफिकेशन डिपो, जैसे ये डिपो जो आप जहाँ से खड़े होकर हमारी बात सुन रहे हैं ना, ये पहले एम्प्लॉय डिपो था, आज नोटिफिकेशन डिपो है। आज यहाँ ठेकेदारों को लाया गया, आज हमसे ठेकेदार काम करवाया जा रहा है ठेकेदारों द्वारा, और हमारी काम और पैसे की कोई लिमिट नहीं है। काम है तो पैसे मिलेगा, नहीं काम है तो हम भूखे पड़े हैं। हमारे साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है, हम यहाँ से भाग के और कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अधिकारी को आपने ज्ञापन दिया, अपनी मांग उठाने की कोशिश? हाँ, मैंने अधिकारी से कई बार मिले। अब हमारी प्रोटेस्ट जो है 8 तारीख तक चलेगा, उसके बाद हमारी 15 तारीख को जो इनके प्रधान डिपो है ना, प्रधान कार्यालय है दिल्ली 12 खंबा, 12 खंबा में हमारी प्रोटेस्ट होगा, तब रूपरेखा बनेगा धरना प्रदर्शन की। तो मेरे कहने का मतलब, आज सरकार जो कह रहा है कि 48 घंटा ही मजदूर से काम लिया जाएगा, जबकि हमें सप्ताह में 100 घंटा काम लिया जा रहा है। आज हमारे कोई लिमिट नहीं है, सुबह 6 बजे के 5 बजे की मजदूर आया हुआ 11-11, 12 बजे रात तक काम करेगा, और स्टेशन पर हमारी मजदूर के जो लोडिंग होके जा रहा है ना, ये बोरी स्टेशन पर जा रहा है, वहाँ हमारे आदमी अनलोडिंग कर रहे हैं, उसका टाइम 24 घंटे का है। हम वहाँ से आके यहाँ सम्मिलित भी नहीं हो सकते, क्या कि कल को डैमेज लगेगी ना, तो डैमेज हमारे द्वारा काटा जाएगा, हमारी मतलब मजदूरी से काटा जाएगा। इसलिए हम वो काम छोड़ के अब ये प्रोटेक्ट में हम सम्मिलित भी उनको नहीं कर पाए। इसीलिए हमारी सरकार से मांग है कि नोटिफिकेशन डिपो, नो वर्क नो पे, डीपीएस वाले को कम से कम सिंगल सिस्टम में लाए, जो हमारी बाल बच्चा को रोजी रोटी चल सके आराम से। हम इनसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। जो हमारी कोर्ट में केस है, इसमें क्या हो रहा है, कोर्ट में हमें तारीख पर तारीख मिल रहा है, हमारे को कोई न्याय नहीं मिल रहा है, इस वजह से हम प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो गए। अब क्या होगा, अगर हमारी मांग नहीं माना जाएगा, नहीं सुना जाएगा, तो पूरा देश में, पहले तो मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ प्रधान कार्यालय में करूँगा, उसके बाद पूरा देश मजदूर बच्चा बच्चा लेके अपने डिपो में बैठ जाएगा और हड़ताल करेगा और चक्का जाम करेगा। क्या सरकार की क्या मंशा लगती है आपको? सरकार की मंशा मजदूर पता ही है सब आदमी को, सरकार की मंशा क्या है,
बातों तो उन्होंने लंबी लंबी करना है, लेकिन मजदूर के हालात ये हो गया कि मजदूर अब सुनने में आता है मजदूर भी आत्महत्या करने लगा। पहले तो मैं ये सुनते थे कि किसान आत्महत्या कर रहा है, अब लेकिन मजदूर भी आत्महत्या करने लग गया है, क्योंकि मजदूर क्या करेगा, एक मजदूर के पीछे पांच पांच बच्चे खाने वाले हैं, उनकी कमाई ना है, कमाई नहीं है, रोजगार नहीं है, अंत में बेचारे मजबूर होकर आत्महत्या करने पर उतर रहे हैं। तो हम लोग को अगर रोजी रोटी नहीं मिलेगा, अगर हमें पेट नहीं भरेगा, तो हम क्या करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, यही हमारे पास और कोई रास्ता तो बचता ही नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम, हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं कि हमें 40,000 दो, 50,000 दो, उतना जरूर दो जो डीसी रेट है, उतना जरूर हमें मिले जो हमारे बाल बच्चा का गुजारा हो सके, यही हमारा मांग डिमांड है सरकार से।